एग्जाम्पल नंबर 3, बस सेम टू सेम जो हम लोग ने कल जो दो सम करे थे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, उसके जैसा ही है। खाली इसके अंदर फर्क क्या आएगा तो देख, ध्यान से सुनिए आप। अ परफॉर्मा कोस्ट शीट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड इज द फॉलोइंग, एलिमिनेट कोस्ट ने परसेंटेज दिया है। कल क्या दिया था, डायरेक्ट तेरे को वैल्यू दे दी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू दे दी। आज क्या करा हुआ है, तेरे को परसेंटेज दिया है तो कोई बड़ा इश्यू है नहीं। तेरे को करने का क्या, देख नीचे सेलिंग प्राइस तेरे को दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले नंबर की चीज सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 15 रुपये दिया है। तो ये 15 रुपये के टका निकाल डालने का, परसेंटेज ऑलवेज निकालने के किसके, सेलिंग प्राइस के निकालने के। तो 15 रुपये के 40% तो 6 रुपये आएगा, जब 15 रुपये के 20% तो 3 रुपये आएगा, जब 15 रुपये के 20% तो 3 रुपये आएगा। कल क्या था, तो भाई ये वैल्यू तेरे को डायरेक्ट दे दी, आज तेरे को परसेंटेज फॉर्म के अंदर दिया आएगा। परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो कोई बड़ा इश्यू है नहीं, खाली क्या कर, जो भी सेलिंग प्राइस है उसके परसेंटेज निकाल लो, बराबर है। अब उसके बाद फिर क्या करते हम लोग भाई, यूनिट ले लेते। देख यूनिट है, कितने यूनिट है, 240,000 यूनिट है। हम क्वेश्चन देखने के साथ हम डिसाइड करते हैं मंथली बेसिस पे काउंट करना है कि वीकली बेसिस पे काउंट करना है। अगर कोई एक भी इंफॉर्मेशन वीक के अंदर है तो वीकली बेसिस हम लोग काउंट करते हैं, बराबर। पहले यहाँ देख लेते हैं, तो भाई रॉ मटेरियल मंथ में दिया, मटेरियल मंथ में दिया है, फिनिश गुड्स मंथ में दिया है, डेटर मंथ में दिया है, क्रेडिटर मंथ में दिया है, सब इंफॉर्मेशन मंथ में, मतलब सम बनेगा कौन से वाला, तेरा मंथली बेसिस वाला बनेगा। इसका मतलब ये 240,000 जो यूनिट है के, उसको अपने डिवाइड किससे करेंगे, 12 से करेंगे। 12 से कब करेंगे, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते, इसके डिवाइड बाय 12 करूँगा। तो वैल्यू आएगी कितनी, 240,000 डिवाइड बाय 12, तो 20,000 रुपये वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 20,000। ये 20,000 को मैं क्या करूँगा, तो भाई रो मटेरियल लेबर ओवर हेड की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर है। देखिए यहाँ बाजू नीचे वर्किंग में करा होगा, करा हुआ है ना, 240 डिवाइड 12 करा, 20,000 आया। ये 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करा। ये 6, 3, 3 आए कहाँ से, तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज निकालते हम लोग, तो ये वैल्यू हमारे को मिल जाती है, बराबर है। तो ये वैल्यू हमारे को 1, 20, 60 और 60 हमारे को मिल गए। हमारी सीधी ने सिंपल सी टेक्निक क्या है जी, तो भाई सीधी ने सिंपल सी टेक्निक हमारी है रॉ मटेरियल और क्रेडिटर में रॉ मटेरियल लेने का, बाकी सब चीज़ के अंदर तीनों तीन चीज़ ले लेने का। अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट होवे, लेग पेमेंट होवे, तो जिसका जो बोला हुआ हुआ है वो वाला लेने का, बर वो सीधा ने सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट है। हम लोग रीड करते जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, भाई पहले नंबर का तो सेलिंग प्राइस दिया है, उसका तो तुम लोग ने यूज़ कर लिया ना। सेकंड नंबर की बात किसकी आती है, रॉ मटेरियल की आती है, तो रॉ मटेरियल में कल तुम लोग ने जैसा करा था ऐसा ही करना है। रॉ मटेरियल में खाली करोगे क्या, रॉ मटेरियल की वैल्यू ले लोगे ने मल्टीप्लाई बाय 2 से कहो मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मंथ के अंदर है। पर अगर ये चीज़ अगर वीक के अंदर होती तो तेरे को नीचे दे देते, या हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते कि 1 month = 4 weeks, तो 2 months तेरे को दिया है तो उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वीकली वाला होता तो मटीरियल आने प्रोसेस बोला है तो तीनों तीन चीज़ें लिख देने की, ने क्या करने का, 1.5 month, 1.5 month मतलब 1.5 month देगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों चीज़ों को। फिनिश गुड्स में भी क्या करूँगा, तीनों तीन चीज़ें लिख दूंगा, बराबर है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ। इसके बाद आता है डेटर, भाई डेटर में भी क्या करूँगा, तीनों तीन चीज़ें लिख दूंगा ने मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ। इसके बाद आता है क्रेडिटर, क्रेडिटर जाएगा क्या बाजू, तेरी लायबिलिटी के अंदर तेरा जाएगा, तो लायबिलिटी में लिख दूंगा ने अपना सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रॉ मटेरियल ने क्रेडिटर बोले तो खाली रॉ मटेरियल लेने का, तो इसमें खाली रॉ मटेरियल लेंगे ने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ने लास्ट में क्या बचा है, कैश ऑन हैंड है तो असेट के अंदर लिख देने का, नहीं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देने की। अब तुम्हारे करना क्या आएगा, सब असेट का टोटल कर दो,
उसमें से जो भी लायबिलिटी है उसको माइनस कर दो, तुम्हारा क्या मिल जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल तुम्हारे को मिल जाएगा। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नवा नहीं था, खाली थोड़ा माइनर सा चेंजेस है। चेंजेस में क्या, यहाँ पर जो तेरे को परसेंटेज दिएगा ने एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों में से तेरे को एक क्वेश्चन आएगा। बर मैं भी ऐसा कर सकते हैं कि तीनों मिला के क्वेश्चन पूछ ले, अपनों का कुछ फर्क पड़ता है, बराबर है, साइंस पढ़ी ना,